अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वह है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका अर्थ क्या होता है, 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट का रहेगा उसी को हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। जैसे 100 ml सॉल्यूशन लिया और उसमें 10 ml सॉल्यूट का है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 10 के बराबर हो गया। जैसे लिखा हुआ है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका अर्थ हुआ 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट का, यानी यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम ले रहे हैं और उसमें सॉल्यूट का ही वॉल्यूम देख रहे हैं, दोनों का ही वॉल्यूम है। कैसे निकालोगे भाई, सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर में और डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मिल जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, सर ये होता क्या है। पार्ट्स पर मिलियन, PPM शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पुकारते हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, 10^6 ग्राम सॉल्यूशन। 10^6 का मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10^6 होता है, यानी 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का रहेगा उसको हम लोग PPM के नाम से पुकारते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा है 2 PPM तो इसका अर्थ हुआ 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट का। अगर क्वेश्चन में लिखा है 10 PPM तो इसका अर्थ यह हुआ कि 10^6 ग्राम हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उसमें 10 ग्राम ही सॉल्यूट का है, तो जो बाकी बच गया वो क्या है, सॉल्वेंट का है। इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबली स्मॉल है। यानी जो PPM है ना, पार्ट्स पर मिलियन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। ये एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या, जिसमें कि सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबली स्मॉल है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह से PPM होता है उसी तरह से PPB होता है। PPB क्या होगा भाई, PPB का फुल फॉर्म हो गया पार्ट्स पर बिलियन। उस तरह से PPT होता है, ये PPT क्या होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन। थोड़ा सा फर्क है, जब मिलियन की बात करते हैं तो 10^6 ग्राम में देखते हो, और यही अगर बिलियन की बात करेंगे तो 10^9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का होगा उसको हम कहेंगे PPB। और वही अगर PPT ट्रिलियन की बात करते हैं तो 1 ट्रिलियन में होता है 10^12। मतलब अगर हम PPT की बात करेंगे तो 10^12 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का रहेगा उसको हम कहेंगे PPT। तो फार्मूले में थोड़ा सा का फर्क आएगा, PPB पूछेगा, पार्ट्स पर बिलियन पूछेगा, तो 10^6 के जगह पर 10^9 पुट करोगे, और अगर PPT पूछा, पार्ट्स पर ट्रिलियन पूछा, तो फार्मूला एकदम सिमेट्रिकल ऐसा ही रहेगा, बस 10^6 के जगह पर 10^12 पुट करोगे।